ज्ञान सेतु का बहुत क्रूशल पार्ट है मेरे करियर चॉइसेस में तो ज्ञान सेतु के बारे में मुझे पहले पता चला 2017 में मैं थर्ड ईयर कर रही थी अपना उस वक्त बैचलर्स में सो so, uh, मेरे फ्रेंड्स ने पूछा मुझे वो 2016 में जाके आ चुके थे एक स्टेट में सो so, मेरे फ्रेंड्स ने एक बार मुझे पूछा कि इस साल आना है क्या है तुझे तो मैंने पूछा कि क्या है uh, मतलब इन्फॉर्मेशन चाहिए थी मुझे किस बारे में है वगैरह तो उन्होंने कहा जो अभी पूरा दीदी बताया हम सबको सो so, uh, मैंने बोला हाँ इंटरेस्टेड हूँ ट्रेवलिंग भी है और साइंस पढ़ाने का भी चल रहा है तो दोनों बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन भी है और उस वक्त मैं सोच रही थी टीचिंग uh, फील्ड के बारे में कि एज अ करियर मैं परस्यू करूँ या नहीं करूँ सो डायलेमा था उस वक्त सो so, uh, Uh, मैंने बोला हाँ सो हम वर्कशॉप में गए और वहां जब सर ने हमें बोला कि तुमको पहले एक्ट करना है कि सिक्स मैं सब डेमोन्स्ट्रेशन वगैरह लूंगा और तुमको सिक्स सेवेंथ के बच्चों जैसा फील uh, करना है या फिर एक्सपीरियंस uh, करना है जो भी सिखाया जा रहा है वहां पे तो वो बहुत ही अच्छा लगा देख के बहुत कुछ सीखने को मिला Concepts बहुत सारे पता थे प्रिंसिपल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वगैरह लेकिन जो एक्सपेरिमेंट्स उन्होंने लिए वो वो सब सिखाने के लिए लिए मेरे काफी नए थे और वो देख के मुझे बहुत ही अच्छा लगा और मैं जस्ट इमेजिन कर रही थी कि ये अगर बच्चों तक पहुंचाया जाए तो उनमें कितनी क्यूरियोसिटी डेवलप होगी सो वर्कशॉप हुआ उसके बाद फिर डेमोन्स्ट्रेशन uh, था एक स्कूल में हमारा और आ, मैं नर्वस थी क्योंकि पहली बार ऐसा कुछ पढ़ाने का आ, ये था तो ह, हमने लिया फिर आ, टीचिंग का थोड़ा सा पार्ट लिया और आ, उसके बाद फिर हमारा डिस्कशन भी हुआ तो उसमें पूर्वा दीदी और बाकी जो वॉल्टियर्स पहले जाके आ चुके थे उन्होंने फीडबैक दिया कि आ, क्या अच्छे से किया क्या और बेटर हो सकता है और कैसे इंटरेक्ट करना है बच्चों के साथ खुद कंटेंट देने से अच्छा उनसे क्वेश्चंस पूछो ताकि वो रिलेट कर सके उनकी रियल लाइफ से तो ये सब बहुत कुछ सीखने के लिए मिला उस फील्ड में और फिर एक प्रॉब्लम उस वक्त हो गई थी कि हमारे टेन वॉलेंटियर्स थे पहले तो उस वक्त उन्होंने बोला कि उसमें से चार कैंसिल हो गए और उसमें से मतलब मैं अकेली लड़की थी और बाकी सब पांच लड़के थे तो मैं सोच रही थी कि अब मैं घर पे बोलूंगी तो पता नहीं परमिशन मिलेगी नहीं मिलेगी जाने के लिए सो so, मैंने घर पे बोला फिर भी कि जाना है मुझे तो मम्मी ने पहले कंसर्न दिखाया ऑफ कोर्स कि सेफ्टी का इश्यू है जानते नहीं है हम तो पता नहीं कैसे होगा एक तो जम्मू सुन के और टेंशन आता है तो इसलिए सो so, um, अटैंड कर लिया लेकिन भाई को वगैरह फैमिली मेंबर्स से डिस्कस किया तो उन्होंने बोला कि अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी अगर टीचिंग में आगे करियर करना है तो और हुई वो अच्छी सीरियसली अपॉर्चुनिटी और फिर हाँ परमिशन मिली फिर पूरी जर्नी भी मेरे लिए बहुत नई थी क्योंकि मैं वो फर्स्ट टाइम था जब मैं महाराष्ट्र से बाहर ट्रैवल कर रही थी Uh, तो मेरे लिए बहुत अच्छा और नया एक्सपीरियंस था वो uh, बहुत सारे लोग नए ट्रेन में मिले स्टेशन uh, पे वगैरह उनसे इंटरेक्शन हुआ और uh, फिर जो फ्रेंड्स वगैरह थे हम लोग ट्रेन में खेलते थे बातें वगैरह उनसे जान पहचान हुई थी वो स्कूल कॉलेज के थे मेरे लेकिन इतने जान पहचान वाले फ्रेंड्स नहीं थे तो वो एक फ्रेंडशिप भी डेवलप हुई वहां पे और ट्रेन की जर्नी में हम लोग फिर कभी डिस्कस करते थे प्रैक्टिस करते थे कि कौन सा पार्ट कौन लेने वाला है वर्कशॉप वा, का सो so, हम जम्मू में पहुंचने के बाद आ, कुछ आई थिंक सुबह ग्यारह बजे वगैरह पहुंचे और हमें लगा उस दिन नहीं लिया जाएगा वर्कशॉप तो लेकिन उन्होंने बोला कि आज लेते हैं बारह बजे स्कूल होता है तो तो हमने बोला इतना क्योंकि हम दो दिन से ट्रैवल करके गए थे बट देन हमने बोला ठीक है चलो कोई नहीं तो फिर हम तैयार वगैरह हुए एक घंटे में और हम गए स्कूल में और स्कूल में जब वो रियल आ, जो हमको मिला एक्सपीरियंस वहां के बच्चे थे टीचर्स थे इतना एंतुजियाम था सब में mm. और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स पहले हमें भी लगा कि ऑकवर्ड फील करेंगे शायद बच्चे भी तो आइस ब्रेकर्स हमने लिए काफी तो उसके वजह से भी बहुत हेल्प हुई कि बच्चों का इंटरेक्शन बढ़ गया उसकी वजह से रिस्पॉन्सेज बढ़े और बहुत ही अच्छा लगा तो एक स्कूल और फिर हम लोग सेशन uh, होने के बाद हम वापस आके डिस्कस भी करते थे कि आज क्या अच्छा गया इसमें से क्या और बेटर हो सकता है और रिफ्लेक्शन टाइप्स तो एक स्कूल का मुझे याद है इंसिडेंट्स uh, और वो हमेशा रहेगा मेरे साथ कि हम वो स्ट्रॉ फ्लू वाली एक एक्टिविटी ले रहे थे लास्ट में और एक उस स्कूल में कम बच्चे थे तो उन्होंने केजी से लेके एट तक सबको बिठाया था वर्कशॉप के लिए तो वो बच्ची मेरे पास आई आ, लास्ट में और आ, मुझे बोली कि की बारे उस बारे बारे केजी बारे थी, बारे थी बारे वो बच्ची तो इसलिए उसको पता नहीं था कि वो बजता कैसे है फ्लूट तो वो आई मेरे पास बन तो गया था तो मुझे बोलती है कि मैम जी ये नहीं रही है उसने जिस तरह से मुझे बोला ये तो मतलब वो एक लाइफ चेंजिंग मोमेंट था मेरे लिए कि मुझे तो यही करना है मतलब आगे जाके सो uh, so, बहुत अच्छा लगा वो सुन के और वहां के सब स्टूडेंट्स से इंटरेक्ट करके और uh, हाँ बहुत डिसीजन मेकिंग में हेल्प किया फिर ये सब चीजों ने मुझे फिर 2017 में जम्मू गए थे हम और लास्ट ईयर 2019 में हम गए थे माजुली uh, तो उस वक्त भी मेरा एक फ्रेंड था सिर्फ मेरे साथ बाकी सब आठ लोग थे वो नए थे मेरे साथ ज्ञान सेतु ज्ञान प्रबोधिनी के ही थे तो हमें पहले लगा था कि जानते नहीं है तो कैसे होगा बॉन्डिंग वगैरह लेकिन बहुत ही अच्छा हम लोग जब पहले टिकट्स वगैरह करने के लिए भी हमारी बात हुई और उसके बाद ट्रेन की जो जर्नी थी हमारी उस वक्त भी तीन चार दिन की कुछ जर्नी थी तो इसीलिए बहुत टाइम एक साथ हमने स्पेंड किया और ऐसे लगा नहीं बिल्कुल भी कि नए हैं ये लोग या कुछ भी मुश्किल होगी इनसे बॉन्ड करने में बहुत कोऑपरेटिव थे वो लोग भी और हम भी ट्रेन की जर्नी में ऑब्वियसली खेल खेलते हैं और ये सब बातें वगैरह करके एक दूसरे के बारे में जान के बहुत हेल्पफुल हुआ और फिर हम वापस जब आए बहुत सारा अलग अलग कल्चर देखने को मिलता है जब आप यहाँ ऐसे अलग अलग प्लेसेस विजिट करते हो तो uh, माजुली इतनी ब्यूटीफुल प्लेस है आप अगर नेचर आपको बहुत पसंद है तो एक बार जाना चाहिए ओब्वियसली किसी ने भी और वहां पे अलग अलग सत्र है और बहुत सारे ट्रेडिशंस देखने के लिए मिलते हैं ट्राइब्स देखने के लिए मिलते हैं एक सबसे मेरे को मुझे कम्युनिटीज uh, है वहां पे अलग अलग सत्र बोलते हैं वहाँ पे तो uh, एक सबसे मुझे अच्छी लगी वो थी अः सत्र जहां पे वो लोग मास्क और ये सब मटेरियल बनाते हैं रोल प्लेज में वगैरह यूज करने के लिए रामायण और इस सब के महाभारत के तो बहुत ही ब्यूटीफुल था वो एक्सपीरियंस भी और इवन जम्मू में हम जब गए थे तो स्कूल के बाद भी हम लोग बहुत सारे वहां पे फोर्ट्स टेम्पल थे वो हमने विजिट किए और आ, हम बाद में हमारा जब सांबा में खत्म हुआ तो उधमपुर में एक टीम थी तो हमारा सांबा के बाद हम उधमपुर गए और वहां पे फिर हम वहां से जम इधर गए थे वैष्णो देवी सो so, वो भी चढ़ने के लिए बहुत ही मुश्किल था बट देन वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था हमारे लिए सो so, ये ओवरऑल चीजें थी और स्कूल के टीचर्स भी इतने कोऑपरेटिव थे उन्होंने भी बोला कि अगली बार अगर आप आओगे तो हम टीचर्स के लिए भी आप सेपरेट रख सकते हो या फिर कांटेक्ट में रह के हमें भी ऑनलाइन यू नो सिखा सकते हो ये सब चीजें तो बहुत अच्छा होगा सो बहुत ही अप्रिसियेशन मिला और बहुत ही वेलकमिंग रहे यहाँ दोनों भी जगहों के लोग सो so, ये ओवरऑल एक्सपीरियंस था मेरा थैंक यू